नमस्कार दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी आज की पहली खबर है कि राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी नई बसें, जल्द मिलेगी स्वीकृति। रोडवेज बेड़े में नई बसें शामिल होंगी, जल्द ही इसकी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की बैठक में यह बात कही। राजस्थान में सीजन की पहली मावट हुई। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में देर रात शुरू हुई बारिश सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। जयपुर में रात करीब 2 बजे बाद हल्की बारिश हुई। आज चित्तौड़गढ़, बारां और धौलपुर में 1 से लेकर 6 एमएम तक बारिश हुई। बारिश से रबी की फसल कर रहे किसानों को फायदा हुआ। वहीं आज टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भरतपुर, बारां और बांसवाड़ा जिलों के लिए बारिश का ऑन रेंज अलर्ट है। 20,000 राजस्थानियों को राम मंदिर दर्शन कराएगी भाजपा। हर विधानसभा क्षेत्र से 100 लोगों को ले जाएंगे अयोध्या। भाजपा इस अभियान में अपने अपने कार्यक्षेत्र में चर्चित लेकिन गैर विवादित लोगों को राम मंदिर दर्शन कराने लेकर जाएगी, जिनका विभिन्न सामाजिक वर्गों समुदायों में अपना खास प्रभाव है, जैसे खेल में कलाकार, सामाजिक नेता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता। इनमें से कुछ लोगों को चुना जाएगा। विभाग का 13 जनवरी तक साइकिल बांटने का आदेश। शिक्षा विभाग ने 2 सत्रों की साइकिल एक साथ वितरण की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए जिलों में बने नोडल केंद्रों पर साइकिलों आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई, लेकिन जयपुर में अभी तक साइकिल नहीं पहुंची है। विभाग के अधिकारियों ने 13 जनवरी तक साइकिलों के वितरण के आदेश दे रखे हैं। ऐसे में यहां के अधिकारी इसको लेकर टेंशन में है। जयपुर में 10,000 से अधिक बालिकाओं को साइकिल वितरण होना है। जन आरोग्य योजना में टॉप पर झुंझुनू। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड बनाने में जिला पूरे प्रदेश में टॉप चल रहा है। जिले में 6,94,000 आयुष्मान कार्ड बनने थे, जिनमें से अब तक 6,01,000 कार्ड बन चुके हैं। झालावाड़ दूसरे नंबर तो भीलवाड़ा नंबर 3 पर है। घर बैठे ही ऐप से कार्ड बना सकते हैं। डमी कैंडिडेट बनकर बैठने वाले सरगना को पकड़ा। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे सरगना को राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने पकड़ लिया। अब थाली में बढ़ेगी भोजन सामग्री। इंदिरा रसोई योजना का पहले नाम बदला और अब थाली में चावल बढ़ाकर गरीब व असहाय को राहत दी है। दाम पहले की तरह 8 रुपए प्रति थाली ही रहेंगे। अब मेन्यू में चपाती, दाल, सब्जी, चावल, मिलेट्स और खिचड़ी आदि के साथ अचार भी शामिल रहेगा। परोसी जाने वाली थाली की सामग्री का कुल वजन 600 ग्राम निर्धारित किया गया है। जयपुर में कल से बढ़ेगी सर्द। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 10 जनवरी से जयपुर में फिर से सर्दी तेज होगी। सुबह घना कोहरा छा सकता है और दिन रात का तापमान भी गिर सकता है। 11 जनवरी को भी जयपुर में कोहरा रहने की चेतावनी है। 12 जनवरी से यहां आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा और हल्की धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिलने की संभावना है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लाखों रुपए के लिए स्कॉलरशिप। सीकर में राजस्थान सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप में प्राइवेट इंस्टीट्यूट संस्थाओं की ओर से फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लाखों रुपए की स्कॉलरशिप अकाउंट में क्रेडिट कराने का मामला सामने आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सरकार के खिलाफ दिया धरना। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर युवाओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि इतिहास में पहली बार मेंस परीक्षा के लिए 3 महीने से कम वक्त दिया जा रहा है, जो न सिर्फ युवाओं बल्कि राजस्थान के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। जयपुर में कोहरे में प्रदूषण बढ़ा, हवा हुई खतरनाक। राजधानी में पड़ रही सर्दी के साथ इस बार प्रदूषण भी चरम पर है। सीतापुरा रिको एरिया और मुरलीपुरा रेड जोन में AQI 320 के पार पहुंचा चुका है। शास्त्री नगर और मानसरोवर में भी AQI 285 और 280 है, जो 300 होते ही ये भी रेड जोन में शामिल हो जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश में 10 लाख परिवारों के नए नाम जोड़ने के आवेदन पेंडिंग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश में 10 लाख परिवारों के नए नाम जोड़ने के आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं। वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2023 में सिर्फ 2 माह ही अप्रैल मई में नए नाम जोड़ने के लिए NFSA का पोर्टल खुला था। प्रधानमंत्री की फ्री राशन योजना जारी रखने की घोषणा के बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील व SDM कार्यालय से लेकर DSO कार्यालय में करीब 10 लाख परिवारों ने सदस्यों की संख्या बढ़ने पर आवेदन किए हुए हैं।
नए विधायकों को सिखाया जाएगा किस तरह से बोलना है विधानसभा में। 16वीं राजस्थान विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए विधानसभा में 16 जनवरी को एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम होगा। नए विधायकों को सिखाया जाएगा किस तरह से बोलना है विधानसभा में। 10 जनवरी को यहां रहेगा सार्वजनिक अवकाश। जारी हुए आदेश राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 10 जनवरी 2024 को जयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच उपसरपंच एवं वार्ड पंचों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर धरने पर बैठे रेलकर्मी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर एनजेसीए के बैनर तले रेलवे सहित अन्य मजदूर संगठनों का मंगलवार को दूसरे दिन भी धरने पर बैठे। दूसरे दिन 50 से ज्यादा कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। SMS मेडिकल कॉलेज की लैब में लगी आग। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजिकल वार्ड में आग लग गई। आग की जानकारी मिलने पर चौकीदार सुभाष ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को जानकारी दी। इस पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग का विकराल रूप देखकर पुलिस ने सिविल डिफेंस को भी मौके पर बुलाया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हजारों लीटर मिलावटी दूध को नाली में बहाया। अलवर की सरस डेयरी में दूध लेकर आए एक टैंकर की जांच में दूध मिलावटी पाया गया। इस पर डेयरी प्रबंधन की ओर से टैंकर में भरे करीब 6,138 लीटर दूध को नाली में बहाकर नष्ट करा दिया। पिछले 10 दिन में मिलावटी दूध की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 29 दिसंबर को 21,700 लीटर दूध मिलावटी बरामद किया गया था। तो दोस्तों यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।